हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर नेमिंग रिएक्शन रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो रीमर टाइमन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फिनॉल की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसको पहले हम समझेंगे रिएक्शन विद मैकेनिज्म से। तो फिनॉल हम लेंगे, फिनॉल ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NOH आ सी एच ओ ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजिशन। ठीक है, और यहाँ पर बनता है सैलिसिलाल्डिहाइड। सिंपल, पहले हम रिएक्शन देखते हैं। आप इस रिएक्शन कुछ इस तरह से करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन हम कराने वाले हैं CHCl3। ये क्या है स्टूडेंट? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एक्वस NaOH आपको ध्यान रखना है, इसमें वाटर भी होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरमीड मिलता है जो कि बेंजल क्लोराइड बनेगा इस तरह से। यहाँ पर ONa और आपको मिलेगा CHCl2। ये है बेंजल क्लोराइड और ये एक तरह का क्या है, इंटरमीडिएट। क्या है ये? इंटरमीडिएट। नाउ स्टूडेंट, फिर से हम इसमें NOH डालेंगे, एक्वस फॉर्म में ये रिएक्शन चल रही है। आपको यहां पे क्या मिल जाएगा? कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे, OH ONa और यहां पे मिल जाएगा आपको COH। लास्ट में आप इस तरह से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, या एच और यहाँ पे ये OH नेगेटिव, आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट OH CHO। ठीक है, तो ये आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलाल्डिहाइड। हाइट सिंपल, तो ये तो एक रिएक्शन है सिंपल सी। अब हम इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे उस बात को आपको समझना है, और मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप पूरी बात समझ पाएंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे आप। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CCl3 and H, और यहाँ पे हम यूज करेंगे OH नेगेटिव जो कि NaOH से आएगा। सिंपल, यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है अल्फा एलिमिनेशन। आपने बीटा एलिमिनेशन सुना होगा, अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, या इसको हम 1.1 एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा कि ये वाला जो है यहाँ पे बॉन्ड ये इधर जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा। ठीक, आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, यहाँ पे CCl CL CL और ये नेगेटिव चार्ज और माइनस यहाँ से हो जाएगा H2O। अब यहाँ से कार्बन से एक एटम चला गया, अब दूसरा एटम या ग्रुप जाएगा यानी Cl जाएगा। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ टू ग्रुप और एटम फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम, सो वी कैन से द अल्फा, क्योंकि इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, या 1.1 एलिमिनेशन भी हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, यहाँ से ये Cl जाएगा इस तरह से और आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का CCl CL। आप इसको ऐसे नेगेटिव चार्ज या आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, और यहाँ ये Cl नेगेटिव बाहर। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, देखो कार्बन के पास एक लोन पेयर है और ये दो बॉन्ड है, इनके चार इलेक्ट्रॉन ये और टू ये, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये है डाई क्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, और ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा। लॉन पेयर होने के बाद भी ये क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल, अब हम यूज़ करेंगे फिनॉल को और फिनॉल से हम रिएक्शन को आगे चलाएंगे इस तरह से। हमारे पास ये फिनॉल है और हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये बात पता है कि फिनॉल में हर एक कार्बन के पास यहाँ पर ये
इसमें हाइड्रोजन होगा। आपको यहाँ से फिर से OH यूज़ करना है और अब बेस जो है इस प्रोटॉन पे एक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा और ये पॉजिटिव पे ये इस तरह से हाइड्रोजन को खींच लेगा। यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा। सिंपल आपको मिलेगा कुछ इस तरह का ऐसे, और ये अब आपको देखो ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे आप O नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा के रखेंगे, माइनस H2 हो गया। दिस इज़ नोन एज द फिनोक्साइड आयन। इसे स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। अब क्या करना है आपने, हमारे पास तो डाइक्लोरोकार्बीन है, हम इसका यूज़ करेंगे, है ना। ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने वाला है। ये वाला बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड हम यहाँ भेजेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज मतलब इस तरह से कार्बिन इस पर अटैक कर लेगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। आपको आगे मिलेगा इस तरह का ऐसे, अब देखेंगे आप ध्यान से, इसको अच्छे से बनाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ये ओ नेगेटिव, एंड यहाँ हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आपने इस कार्बन के इस नेगेटिव चार्ज को जोड़ा तो एक बॉन्ड आएगा कार्बन के बीच में, और ये जो लॉन पेयर है कार्बिन का, ये प्रिजर्व रहेगा, रिस्टोर रहेगा अभी इसके पास में। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये इस तरह से आपने इसको ऐसे बना देना है, Cl एंड Cl। सिंपल होती है बात। अब देखो क्या करेंगे आप, इस वाले बॉन्ड को आपने यहाँ भेज देना है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, इस वाले बॉन्ड को आपने यहाँ भेज देना है, यहाँ पर। ये जब यहाँ बॉन्ड जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, अच्छा इससे पहले क्या हुआ था ना, जब ये बॉन्ड यहाँ जाता है ना, तो उससे पहले ये यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे ना आप इसको कर लेना कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिखाई देता है आपको, इसको आप कर लेंगे सही, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन टूट रहा है और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, और ये फिर से वापस यहीं जाएगा, ठीक है, ये फिर से वापस यहाँ ऊपर जाएगा, और जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये लॉन पेयर इस हाइड्रोजन को अंदर से ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा। आपको अब जो मिलेगा प्रोडक्ट वो कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का ऐसे, और ये कुछ इस तरह से यहाँ बेंजीन रिंग रिस्टोर हो चुकी है, ऑक्सीजन के पास फिर से नेगेटिव चार्ज है ना। फिर से एक बार देख लीजिए आप, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये लॉन पे ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब जो है ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये लॉन पेयर इस हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा, और यहाँ फिर से ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिनोक्साइड आयन जैसा आपको मिलेगा सी। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप एच लिखेंगे, और ये सी एल एंड सी एल। सिंपल, ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखो स्टूडेंट क्या होने वाला है, जो आपने ये बनाया है इसमें आप क्या करेंगे, एन ओ एच ऐड करेंगे, तो यही एन ए ओ एच ऐड कर दीजिए, एन ए ओ एच एक्वस है, और यहाँ पर भी हमने ऐड किया एन ए ओ एच। सिंपल दिखाई दे रहा सभी को, ओके इस तरह से हमने एन ओ एच को यहाँ पे ऐड कर दिया है, और यहाँ से क्या होगा, ये एन ए सी एल यहाँ से जाएगा बाहर, और ये वाला एन ए सी एल यहाँ से जाएगा बाहर, और आपको जो है इस तरह से 2NaCl के मॉलिक्यूल मिलेंगे बाहर, और OH इसके साथ जुड़ गया है, और आप इसको बना देंगे कुछ इस तरह से ऐसे। तो अब आपके सामने ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, और अभी हमने कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाया है, और हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो आपको पता है क्या होने वाला है, सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है। ये अब आप इसका करेंगे, इसको हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने वाला है स्टूडेंट, देखेंगे OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, और यहाँ दोनों के बीच में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का ऐसे। यहाँ पे आपने ऐसे बना देना है, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ पे O नेगेटिव, एंड यहाँ पे आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल जाएगा।
सिंपल। अब यहाँ पे क्या कराना आपको, प्रोटोनेशन बहुत आसान सा है और प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया है स्टूडेंट, ये प्रोटोनेशन है ना, इस तरह से आपने यहाँ पे प्रोटोनेशन करा देना है और आपको मिल जाएगा ये डिज़ायर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है। तो ये थी एक मैकेनिज्म इसकी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आप बना देंगे C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। ये क्या है, सैलिसिलाल्डिहाइड। तो ये थी स्टूडेंट मैकेनिज्म, इस तरह से आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है, हर एक बात को समझना है, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट आपके सामने है कोलबे रिएक्शन, और इस रिएक्शन को दिया था कोलबे सिमट ने, ठीक है, गिवन बाय कोलबे सिमट, सो इट इज नोन एज द कोलबे रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन हमने करानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, सिंपल आप ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे आप सोडियम फिनोक्साइड बना लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से ये एच जाएगा, इसे एच यानी OH और माइनस H2O बाहर। सिंपल रिएक्शन कुछ इस तरह से आप चला सकते हैं। यहाँ पे आप एसिडिफिकेशन कराएंगे, आप यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस तरह से एसिड, और आपको यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसे बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। कोल्बे में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, और इससे पहले रिमेटाइमन जो पड़ी थी उसमें बना था सैलिसिलाल्डिहाइड। अब समझेंगे स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म, बहुत आसान सी है मैकेनिज्म में। देखो आपने क्या देखना है, जो आप फिनोल यूज़ कर रहे हैं इसी को हमने आगे बढ़ाना है। हमारे पास ये फिनोल है और फिनोल में आपने यूज़ करना है यहाँ पर एक बेस, है ना। हम क्या यूज़ करेंगे, बेस यूज़ कर लेंगे, और बेस का काम आपको स्टूडेंट सभी को पता ही है, इस तरह से यहाँ पे ये फिनोक्साइड आयन बनेगा, ये यहाँ जाएगा, एसिड है तो ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह से ये फिनोक्साइड आयन ऐसे ओ नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन, सिंपल। ये मिला आपको फिनोक्साइड आयन। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, आप इस वाले बॉन्ड को उठा के यहाँ भेज दीजिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ऐसे, क्योंकि आप इधर को पढ़ेंगे और ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, आपको मिल जाएगा आप कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये डबल बॉन्ड और यहाँ ये हाइड्रोजन पता है आपको होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये इस तरह का बॉन्ड, सिंपल होती है बात। अब हम इसको फिर से यहाँ लिखते हैं और रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने इस तरह से इसको ऐसे बना दिया ओ और ये एच और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, सिंपल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इस बात को समझना, CO2 है और ये एक वीक एसिड का काम करता है, यानी इसको अगर यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये वीक एसिड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको पता है। और ये कैसे एक्ट करता है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बन जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अटैक करेगा और आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरह से ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, एंड अब आपने देखा कि आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है ओ और ऑक्सीजन के पास ये नेगेटिव चार्ज, सिंपल होती बात। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है, फिर से वही बात, इसको आप यहाँ भेजेंगे तो ये वाला बॉन्ड फिर से वापस वहाँ चला जाएगा, आपको ऐसा मिलेगा देखने को इस तरह से, यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग रिस्टोर हो गई है और ऑक्सीजन के पास फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया है,
आपको मिलेगा ये कुछ इस तरह का। अच्छा यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहीं से यहीं इसको अट्रैक्ट कर लेगा और आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का ऐसे, और यहाँ पे ये OH। सिंपल, अब क्या कराना है, सिंपल आपने यहाँ पे प्रोटोनेशन करा दीजिए, है ना, ये प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका ये इस रिएक्शन का डिज़ायर प्रोडक्ट जो हम बना रहे थे, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे मिल जाएगा आपको C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या बना, सैलिसिलिक एसिड। सिंपल होती बात, फटाफट से देखिए। ओके, अब स्टूडेंट एक रिएक्शन और कर लेते हैं इसके साथ साथ में, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। फिनोल जिंक डस्ट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ये वन मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जिंक डस्ट तो हम यूज करेंगे इस तरह से, फिनोल, ये है फिनोल और हम यूज कर रहे हैं यहां पे जिंक डस्ट। सिंपल, इस तरह से ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगा और आपको मिल जाएगी बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या मिला आपको, बेंजीन। चाहो तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ या मत लगाओ, और आपको मिलेगा ZNO। सिंपल सी बात है, ठीक है, कंप्लीट कीजिए फटाफट से इसको। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं सेकेंड लास्ट रिएक्शन हमारे पास है, हैलोजिनेशन। ठीक है, और भी देखते हैं कितनी रिएक्शन NCERT में आपके सिलेबस में है। तो हैलोजिनेशन में यहाँ पे हमने करना है ब्रोमिनेशन, हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रोमिनेशन के बारे में। ठीक है, और ब्रोमिनेशन में देखो क्या होता है, अगर आप इस तरह से फिनोल की रिएक्शन, ये हमारे पास फिनोल है और इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन से करा रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपको पता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर एक बार और एक बार ये पैरा पे जाता है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सिंपल है बात, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, Br और ये Br, है ना, तो आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बार ये यहाँ जाएगा और एक बार ही में यहाँ जाएगा, आपको इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक, OH और Br आप एक बार यहाँ पे लगा देंगे, दूसरी बारी में आप पैरा पोजीशन पे लगा देंगे, ये इस तरह से OH और यहाँ पे ही Br, ये वाला जो होगा स्टूडेंट मेजर होता है, ये बात आपको पता है। सिंपल हो गई बात, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ब्रोमीन वाटर यूज़ कर लिया तब देखो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है। ये हमारे पास फिनोल है और हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, आपको ये रिएजेंट ध्यान रखना है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर अगर लिखा है तो आपको यहाँ पे एक बार ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो यहाँ पे Br जुड़ेगा और एक बारी में यहाँ पे, यानी एक बार यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा और एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इस तरह से ये आपको ट्राई ब्रोमो फिनोल देखने को मिलेगा OH, एक बार Br यहाँ पर, एक बार Br यहाँ पर और एक बार Br यहाँ पर, इसका नाम है स्टूडेंट 2.4.6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। सिंपल होती बात, तो ये हैलोजिनेशन था, अब स्टूडेंट सल्फोनेशन भी कर लेंगे साथ साथ में। सल्फोनेशन बहुत आसान सा है, सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ कर लीजिए, हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट ये जो है फिनोल है, ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से SO3H और OH, हाँ मैं ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है ना, एक बार यहाँ पे ये ऑर्थो पर जाएगा और एक बार ही में यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटेगा और ये पैरा पर जाएगा, है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे कुछ इस तरह के OH, यहाँ पे आपको मिलेगा SO3H, है ना, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये वाला OH, अब ये पैरा पे लगा होगा SO3H। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये
इसको बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी। अच्छा, ये इसको पैरिटी देते हैं, तो इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोनिक एसिड, ऐसे ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन है ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन काफ़ी इजी सी है, कर लोगे आप सारे स्टूडेंट। अच्छा, एक रिएक्शन और बचती है ऑक्सीडेशन वाली, उसको भी हम साथ साथ में कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या करना है, आपने फिनोल लेना है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ बॉन्ड दिखा दीजिए, ये हमारे पास फिनोल है, और हम यहाँ पे जो रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग यूज़ कर रहे हैं वो है Na2Cr2O7, और ये स्टूडेंट बनाता है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, ऐसे बेंजो किनोन। क्या इसका नाम है स्टूडेंट, बेंजो किनोन, बेंजो किनोन। तो ये कंप्लीट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कीजिए, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।